मेरे राजा बाबू तो गए। ललिता ये बहुत हरामी और सुअर किस्म का आदमी नहीं है। इधर वाली बहनों को मेरा नमस्कार, जो पीछे भीड़ है सबको मेरा नमस्कार, ऊपर वालों को मेरा नमस्कार, वो हरी साड़ी वाली को मेरा नमस्कार, वो हरी साड़ी वाली आओ, इसका पति मुझे बहुत मारेगा, बोलेगा बंबई से शक्ति कपूर आया और मेरी धर्म पत्नी को आऊ करता है। ये तो था सवाल थोड़ा हंसी मजाक का, लेकिन मुद्दे की बात ये है मेरे बच्चों, या तो मेरी गोद में आ जाओ या शांत हो जाओ। मुद्दे की बात ये है कि मैं बंबई से आपके बीच सिर्फ ये बात समझाने आया हूं, तो हरी साड़ी वाली सुन रही हो ना, आप ऊपर वाले भी सुनिए, आप भी सुनिए, जो छत पे बैठे वो भी सुनिए। ये 4 तारीख को ये बच्चे शांत हो जाओ, उसमें आप लोग मूल्यवान वोट सोच समझ के डालिए। 5 साल अगर गलत नेता चुने, 5 साल में आपको तकलीफ देगा, और अगर सही नेता ढूंढा 5 साल आपको खुशी देगा। और मैं यहां पर बंबई से इस इलाके में आपके बीच इसलिए आया हूं कि आपका खुद का नेता भाई राम जी, जिसका चिन्ह है ये गिलास, गिलास वो गिलास है जिससे सुबह मां उठती है अपने बच्चों को पानी भर के पिलाती है, ये वो गिलास है बच्चा रोता है तो माँ इसमें दूध भर के बच्चे को पिलाती है, जब ठंड होती है तो इंसान इसमें चाय भर के मजे से पीता है, और जब रात होती है आदमी इसमें दारू डाल के भी पीता है। क्या करे, हर आदमी बोलता अपनी धर्म पत्नी को थोड़ा पीने दो, क्योंकि राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, हमारे युग में दारू मिली तो खून दबा के पी, पर इनको पीने मत देना। जो जो मर्द पिएगा उसकी बीवी चप्पल लेके उसकी धुलाई भी कर सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, दो 4 बच्चे तो मेरे भाषण में बड़े हो गए हैं। क्या क्या मतलब यह है कि ये गिलास का चिन्ह नहीं भूलना, वो हरी साड़ी वाली बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूँ, अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है तेरे आंख के आंसू अपने आंख से निकाल सकता हूँ। रोक लो जनाजे को मेरे मुझ में जान आ जाएगी, उल्लू के पट्टे मोड़ के देखो दारू की दुकान आ जाएगी। अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर आप सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपसे वादा लेके जा रहा हूं कि 4 तारीख को ग्लास का बटन कौन कौन दबाएगा वो हाथ खड़ा करो। हो
छोटा बच्चा खड़ा है और 8 महीने का है, वो भी हाथ खड़ा कर रहा है। मैं भी बड़ा होके गिलास वाला बटन दबाऊंगा, माँ मैं भी गिलास वाला बटन दबाऊंगा माँ। और एक अच्छी खबर है, हमारे भाई रामदीन का मुंबई के कलाकारों के साथ बहुत दोस्ती है, बहुत रिश्ता है, नजदीकी रिश्ता है। इनका कहने का है कि जब ये इलेक्शन जीतेंगे 1 जनवरी को, ये इसी इलाके से एक हिंदी फिल्म का उद्घाटन करेंगे।